हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज अपन लेके आए होम विजिट 360 के अंदर एक विला, और इसके लिए हम ओम प्रकाश जी से सारी चीजें जानेंगे। तो ओम प्रकाश जी बताइए, इसकी डायमेंशन वगैरह क्या है? सर 20 का फ्रंट है इसका और 55 की डेप्थ है, जो कि आपको स्पेशियस पार्किंग मिल जाती है। जी जी, 8x15 की पार्किंग है। और इसके अंदर और क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? इसमें सर 2 बेडरूम है नीचे और किचन है, डाइनिंग है, हॉल है, 2 टॉयलेट्स और बाथरूम्स है, और एक वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यूटिलिटी एरिया दिया गया है पीछे 4x5 का, और 2 टू व्हीलर, 2 छोटी टू व्हीलर की पार्किंग है। यहाँ पे आप अपने पार्किंग टू व्हीलर कर सकते हैं, एक बड़ा वाहन पार्क हो सकता है। एक एंट्री हमने यहाँ से दी हुई है, इसकी रूम के साथ में ही अटैच है जो कि, और ये स्पेशियस है, आप देखिएगा। बढ़िया ग्रेनाइट हमने यूज किया हुआ है, A+ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है अपना जी। अभी तक हमने काफी सारे विला बना के बेचे हैं, हमारे नियर अबाउट 1000 से भी ज्यादा विला के कस्टमर हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। सामने ही अभी हमने 4 बना के बेचे हैं इन्हीं के सामने ही जी। तो ये डायमेंशन वगैरह क्या है, यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी चीजें एक बार आप बता सकें? सर ये हम दे रहे हैं, इसमें सेमी फर्निश्ड दे रहे हैं, जो कि 122 गज का है अपना ये विला, 4 BHK है। इसमें 2 किचन, 2 डाइनिंग, 2 लिविंग रूम आपको मिलते हैं, और 4 बेडरूम मिलते हैं okay. और 4 लेट बाथ मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे एक्सेसरी जो यूज की गई है वो कौन सी कंपनी के एक्सेसरीज है? एक्सेसरी सर सैनिटरी में हमने जॉनसन्स की यूज की है, टाइल्स में कजारिया की टाइल्स यूज की हुई है, और वायरिंग जो है हमने RR केबल्स का यूज किया हुआ है okay. और इस विला की पूरी डायमेंशन क्या है? ये सर 20 का फ्रंट है और 55 की लंबाई है इसकी, तो 122 गज का है। और टोटल इसकी प्राइस वगैरह आप कैसे दे रहे हैं, क्या प्राइस रखी है आपने यहाँ की? ये 1,11,00,000 का एक विला है जो कि 122 गज वाला है। 3 बनाए हैं हमने, और 3 इसमें हमने 20x50 के बनाए हैं इनके पीछे ही। ये वेस्ट फेसिंग में है 122 गज के, और ईस्ट फेसिंग में जो है वो 111 गज में है, जिनकी कीमत 1,05,00,000 रुपए है। तो ये विला जो दे रहे हैं आप, सेमी फर्निश दे रहे हैं या फुल्ली फर्निश दे रहे हैं? ये सेमी फर्निश दे रहे हैं जी, फर्निश्ड का भी ऑप्शन है इसमें, जो कि 10 लाख टू 15 लाख रुपीस अमाउंट बढ़ जाती है, जिसमें कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं चीजें, डाइनिंग टेबल, सोफा, टीवी कैबिनेट्स और बेड्स जी जी, बढ़िया क्वालिटी का जो फर्नीचर होता है वो हम प्रोवाइड करके देंगे, कोई फर्निश्ड मांगता है तो। अदरवाइज चॉइस हमारी यही हम देते हैं कि भाई सेमी फर्निश्ड, क्योंकि आजकल सबकी अपनी अपनी चॉइस हो गई है, सब अपने अपने पसंद का फर्नीचर लगवाना चाहते हैं, तो हम सेमी फर्निश ही ज्यादा प्रिफेयर करते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको थोड़ा विजिट करा देता हूँ, इसकी थोड़ी सी जो चीजें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली नीचे का पोर्शन है सेपरेट, आपने एंट्री देखी है, सेपरेट एंट्री जो है राइट साइड में, आप बाकी जो है बाहर की साइड से सीढ़ियों के थ्रू जो है ऊपर कर सकते हैं, मतलब 2 सेपरेट सेपरेट पोर्शन हो गए हैं। नीचे जो है अपन ले सकते हैं, 2 BHK हो गया है, ऊपर भी 2 BHK हो गया है सेम दोनों के अंदर, और सेम जो नीचे का पोर्शन है वैसा ही पोर्शन ऊपर की तरफ बनाया गया है। ये अपना यहाँ पे होल हो गया, होल के अपन साथ में बात करें तो ओपन यहाँ पे किचन हो गया है। तो यहाँ पे सर अपना चिमनी वगैरह भी आप लगा के दे रहे हैं किचन में? हाँ जी, किचन में हम चिमनी लगा के देंगे, और वाटर टैंक है जो कि पार्किंग स्पेस में हमने बनाया हुआ है, 6,500 से 7,000 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। ऊपर हमने 1200 लीटर के 2 टैंक रखे हुए हैं, जो कि सेपरेट पोर्शन के लिए अलग अलग टैंक्स है, और सब मर्सिबल हम मोटर लगा के देंगे टैंक में। ओके ओके, तो एक बार आगे अपन पोर्शन एक बार पूरा देख लेते हैं। ये अपना किचन हो गया, किचन से अपन जो है लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे बालकनी हो जाती है, और ये स्पेस जो है अपन अदर तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं अलग अलग। ये अपने यूटिलिटी, जैसे कि आप अपने वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं यहाँ पे, भाई कई लोग AC पसंद नहीं करते हैं, कूलर लगाना चाहे तो कूलर के लिए भी स्पेस हमने दिया हुआ है, एक नल भी हमने प्रोवाइड किया है वॉशिंग मशीन कोई लगाता है तो उसके लिए। तो मतलब ये जो गैलरी जो आपकी ऑप्शन है यहाँ पे, ये किचन से भी कनेक्टेड है, और बैक साइड में अपन बात करें तो रूम से भी यहाँ पे कनेक्टेड है।
तो आगे अपन रूम की तरफ चलते हैं, यहाँ के क्या डायमेंशन है एक बार वो भी अपन चेक कर लेते हैं, कितना सा अच्छा सा ये जो है रूम होने वाला है। तो यहाँ के डायमेंशन वगैरह क्या है सर रूम की? रूम की डायमेंशन सर इसकी है 10.5x12.5 की रूम की डायमेंशन है, और लेग बाथ की हम बात करते हैं तो ये 5.5x6 की डायमेंशन है। तो यहाँ पे आप लेट बात और जो है रूम की डायमेंशन आपने देखी। यहाँ पे प्लस में अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे इन वॉल जो है आपको वार्डरोब दिया गया। तो आप डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी बहुत अच्छी है यहाँ पे जो है आपकी तरह की। और आगे अपन देखते हैं यहाँ से दूसरा रूम कैसा होने वाला है। जैसा अपन को बताया गया था कि जो है एक एंट्री तो अपन डायरेक्ट जो है हॉल से भी कर सकते हैं, दूसरी एंट्री जो है वो रूम के थ्रू अपन यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब दूसरा जो रूम है वो बाहर से भी ओपन होता है। यदि गेस्ट वगैरह आते हैं उनको रूम में रोकना है तो वहां पे रोक सकते हैं। उससे पहले ये सारी यहाँ के डायमेंशन वगैरह क्या है सर? इस रूम की डायमेंशन सर 12x13.5 की है, जो की स्पेशियस रूम है, और इसमें वार्डरोब भी फुल साइज का हमने दिया हुआ है, जो की ऊपर से नीचे तक स्टोरेज के लिए जो भी है आजकल फैमिली भाई कुछ भी इसमें स्टोरेज अपना कपड़े वगैरह कर सकती है। तो इसके अंदर भी अपन रूम में बात करें तो इनवॉल यहाँ पे भी अपन को वार्डरोब दी गई है। ऊपर बात करें तो वही कोपलाइट लाइट्स हर जगह पे जो दी जाती है उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। अपन बात करें तो यहाँ पे एक वॉल के ऊपर यहाँ पे वॉल पेपर भी दिया गया है बहुत ही प्यारा सा। अब जी सर बताइए, चारों बेडरूम में हमने वॉलपेपर्स दिए हैं और दोनों हॉल में हमने वॉलपेपर्स लगाए हुए हैं। 3D वॉलपेपर्स है जो कि बढ़िया क्वालिटी के है, और फॉल सीलिंग भी हमने अलग अलग फॉग लाइट्स के साथ में ये जी जी की। ओके ओके, अलग अलग फॉग लाइट्स के अनुसार जो है यहाँ पे पारी सारी चीजें कलरफुल है। ओके, तो आगे अपन चलते हैं इसी रूम से जो है अपना कॉमन जो है लेट बाथ होने वाला है वो भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी साइज वगैरह आप देखें तो कॉमन लेट बाथ की साइज भी बहुत अच्छी सी यहाँ पे साइज है। तो साइज का क्या है यहाँ पे सर? ये 5.5x7.5 का लेट बाथ का साइज है सर, ये बड़ा है जो रूम के साथ अटैच है उसमें थोड़ा सा मैंने जो बताया था वो साइज का है। ओके ओके, तो यहाँ पे सेम जो ये पोर्शन आपने देखा है वैसा ही सेम पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ होने वाला है? सेम पोर्शन ही, हमने अलग से बाहर से सीढ़ियां देख के दिया हुआ है। आजकल माइक्रो फैमिलीज होती है, कई लोग अभी ले लेते हैं कि भाई फ्यूचर में काम आएगा मेरे, अभी किराए पे भी दे सकते हैं, भाई मदर फादर है उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, या जॉब वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको कोई भाई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो एक सेपरेशन उनको मिल जाता है। ओके ओके, मतलब सारी चीजें यहाँ पे सेपरेट सेपरेट दी गई है, तो बहुत सी चीजें हैं जो अच्छे भी है, जैसे रेंट अप कर सकते हैं, या जैसे अपन चाहें तो कि मदर फादर है उनको नीचे रखना चाहें अपन ऊपर रहना चाहें, उस सेपरेट तरीके से अपन यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये विला का जैसे हमने प्राइस वगैरह आपको बताई थी, एक बार दोबारा हम प्राइस और साइज एक बार बता दें सर, प्राइस और साइज बता दीजिए सर। 20x55 का साइज है इसका, 122 गज में बना हुआ है ये, और 1,11,00,000 इसकी प्राइस है। तो प्राइस आपने देखी और साइज भी यहाँ पे आपने देखी है, ये सारा विला आपको यहाँ पे मिलने वाला है दादू दयाल में, इसकी लोकेशन है, और इसकी सारी जो है नंबर और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड और डिस्प्ले पे आपको शो कर दिया जाएगा। विला कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं